निकल। हमें सिखाया जाता है कि हमारी सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सोलर सिस्टम में और प्लैनेट होते? हाँ पता है, ज्योग्राफी का और एक पन्ना हमें पढ़ना पड़ता। और क्या आपको पता है, एक या दो नहीं बल्कि कई प्लैनेट्स हमारी सोलर सिस्टम में शामिल हो सकते थे। अगर ऐसा होता तो हमें यहाँ सिखाया जाता कि हमारी सोलर सिस्टम में 8 नहीं बल्कि 13 प्लैनेट है। दोस्तों आपको प्लूटो पता होगा ही, अरे ये नहीं, दूसरा प्लूटो जो हमारी सोलर सिस्टम में है, ये वाला। आपने ये भी सुना होगा कि किसी जमाने में प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट था, लेकिन उसे पहली फुर्सत में सोलर सिस्टम से निकाला गया। आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं। पहले हम प्लूटो की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे आखिर प्लूटो को अब प्लैनेट क्यों नहीं माना जाता। टेक टू गैलेक्सी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ लीसा शर्मा को, जिसने ये टॉपिक सजेस्ट किया। सन 1905 में एस्ट्रोनॉमर पर्सिवल लॉवेल ने यह बताया कि यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों के ऑर्बिट पर किसी दूसरे अनजान ऑब्जेक्ट के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने उसे प्लैनेट एक्स नाम दिया। लॉवेल ने 1915 में उस प्लैनेट एक्स की पृथ्वी से दूरी प्रेडिक्ट की थी, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की खोज से पहले ही उनकी मौत हो गई। आगे चल के आखिरकार 18 फरवरी 1930 में क्लाइव टॉम्बर्ग ने प्लूटो की खोज की और तब से प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का नौवां ग्रह माना गया। 1978 में प्लूटो का पहला सैटेलाइट कैरन की खोज हुई और इसके साथ एस्ट्रोनॉमर्स के सामने एक समस्या आ गई। कैरन का मास प्लूटो के मास से आधे से थोड़ा कम था, लेकिन सैटेलाइट का इतना मास होने के कारण प्लूटो और कैरन का बैरी सेंटर प्लूटो ग्रह से बाहर आ रहा था। सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों में ऐसा नहीं था, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स उलझन में पड़ गए। इसके बाद 2005 में प्लूटो से भी दूर एक ग्रह की खोज की गई। उसका नाम बाद में इरिस रखा गया। इस ग्रह का मास प्लूटो से भी ज्यादा था। देखा जाए तो इरिस को भी प्लैनेट घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन अब एस्ट्रोनॉमर ने डिसाइड किया कि किसी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट घोषित करने से पहले कुछ शर्तें रखी जाए। 24 अगस्त 2006 को यह शर्तें रखी गई। इनमें सोलर सिस्टम के सारे ऑब्जेक्ट्स का वर्गीकरण 3 प्रकार में किया। पहला प्लैनेट्स, दूसरा ड्वार्फ प्लैनेट्स और तीसरा स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी। प्लैनेट्स के लिए 3 शर्तें थी। पहली शर्त, वह सूर्य का चक्कर लगाता हो। दूसरी, वह लगभग राउंड शेप यानी गोलाकार हो। और तीसरी, वह अपने ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण वाला होना चाहिए। अब प्लूटो की बात करें तो वह पहले 2 शर्तों पर खरा उतरता है, लेकिन तीसरी शर्त वह पूरी नहीं कर पाता। मैं बताता हूँ क्यों। प्लूटो की ऑर्बिट को ध्यान से देखा जाए तो प्लूटो नेपच्यून के ऑर्बिट में भी आता है और नेपच्यून की गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्लूटो से कई गुना अधिक है, इसलिए प्लूटो अपने ऑर्बिट का सबसे शक्तिशाली ग्रह नहीं बन पाया, इसलिए प्लूटो प्लैनेट नहीं बन सका। अब प्लैनेट नहीं तो प्लूटो और उसके जैसे बाकी ग्रहों को क्या बुलाया जाए, इसके लिए दूसरा प्रकार ड्वार्फ प्लैनेट्स पड़ा। ड्वार्फ प्लैनेट के लिए भी पहली 2 शर्तें वही थी। तीसरी शर्त यह थी कि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्लैनेट्स के मुकाबले कम होनी चाहिए और चौथी शर्त थी वह सैटेलाइट नहीं होना चाहिए। इसके अनुसार सीरीज जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में है, प्लूटो जो नेपच्यून के बाद आता है, इन्हें मिलाकर कुल 5 और प्लैनेट घोषित कर दिए गए और बाकी बचे एस्ट्रॉइड्स कॉमेट्स को स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज घोषित कर दिया गया।
इस प्रकार प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को प्लैनेट से ड्वार प्लैनेट बनाया गया। और इसी के साथ खत्म होती है प्लूटो की दुखद कहानी। दुखद इसलिए क्योंकि प्लूटो को अपनी एक ऑर्बिट पूरी करने के लिए 248 साल लगते हैं, लेकिन सिर्फ 76 साल तक प्लैनेट रखने के बाद उसे निकाला गया। उसने अभी तक अपना न्यू ईयर भी नहीं मनाया था, बेचारा प्लूटो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अलग सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरों को भी ज्ञान बांटें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।